लास्ट वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देखा, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। एक कंपनी है उसको रेजिडेंट बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो देखो, पहली बात है, इंडियन कंपनी अगर है, कोई कंपनी है भाई, इंडिया की ही कंपनी है, सो इंडियन कंपनी को तो मैं क्या कहूंगा, ऑलवेज रेजिडेंट, वो तो हमेशा रेजिडेंट है, कुछ कहना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, उसका बर्थ यहीं पे हुआ है, वो अब मूव तो कहीं और नहीं कर जाएगी ना, इंडिया में है, इंडिया में ही बनी हुई है, इंडिया में ही काम कर रही है, तो ये तो हमेशा इंडिया की रहेगी रहेगी, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। बात आती है फॉरेन कंपनी जो बनी विदेश में है, तो ये फॉरेन कंपनी की टेक्निकल लैंग्वेज आती है कंपनी एक्ट के अंदर, कई सारी चीजें आती है, बट नॉर्मली मान के चलो जो बाहर की कंपनी है इंडिया में उसकी ब्रांच है, मैं नॉर्मली उसको फॉरेन कंपनी कहता हूँ। डिटेल में देखना चाहते हो तो एक बार आप गूगल कर सकते हो। देखो एक चीज और, आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, किसका भी कुछ भी कोई सा भी आप कोर्स ले लो, 100% कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? बीच बीच में ना रेफरेंस आता है, इंडियन एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका आया हमारा, इनकम टैक्स एक्ट का, फिर उसके बाद इसमें कोई चीज ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड होंगी, इनकम टैक्स जैसे अकाउंट्स है ऐसी, इनकम टैक्स जीएसटी इनफाइनाइट है, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। सो लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। दो चीज होती है, या तो मैं आपको सेल्फ कैपेबल बना दूं कि आप इतने कैपेबल हो जाओ कल को कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, आप सीख जाओ उन चीजों को कि अपने आप से कैसे रिसर्च कर सकते हो। तो अगर वो रिसर्च करना आ गया तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप अगर मैं एज अ सीए में अपनी बात कर दूं तो इनकम टैक्स इतना ज्यादा वाइड है, बहुत वाइड, और जो सीए पिछले 50 इयर्स से इस प्रैक्टिस में भी है ना इनकम टैक्स में, उनको भी रेफर होना करना पड़ता है, 10 चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि हर बार कुछ नया आता है। जैसे अकाउंट्स है, कभी खत्म नहीं होता है ना, अकाउंट्स में इतना ज्यादा है। इंग्लिश है, हर से कभी कंप्लीट हुई है, 100% आती है क्या? नहीं आती है, क्यों? उसका कोई एंड नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा फॉरेन कंपनी की मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब उसकी डेफिनेशन डिस्कस करने लग जाऊंगा तो वो काफी लेंथी हो जाएगी, बट आपको पढ़ना है। आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। यूट्यूब को मैं कहता हूँ सेकंड स्टेज, पहले आप गूगल पे सर्च करना सीखो यूट्यूब पे, क्योंकि एक टीचर का अपना व्यू होता है। गूगल पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा आपको आइडिया लगने लग जाएगा कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट अच्छा है, ठीक है। सो वहां पे ना, मतलब एक कंटेंट पे ये लगता है कि पर्सनल व्यू ना हो कि वो एक अच्छी रिसर्च के बाद लिखा गया, तो आप जब सर्च करोगे कुछ टाइम बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कंपनी, तो पहले फॉरेन कंपनी, अभी आपको ये नहीं पता है कि इनकम टैक्स में इसकी डेफिनेशन दी है या नहीं दी है, पहले क्या करोगे, सर्च करोगे मीनिंग वो फॉरेन कंपनी, सिर्फ इतना नहीं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, पूरा लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में फॉरेन कंपनी को क्या लिखा है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा वैसे तो कंटेंट जब सर्च करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें है या नहीं है, तो नहीं है तो हम कौन से एक्ट की रेफर करते हैं, भगवान के चलते हैं कि इनकम टैक्स में कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा, फिर थोड़ा रीड करोगे समझ में आएगा कौन से एक्ट में, तो वहां से आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था पिछले साल में, मोर उससे ज्यादा था, सो ये इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया, इसको मैं इंडियन का रेजिडेंट मानूंगा अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, शॉर्ट में हम पॉइंट बोल देते हैं, वैसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ही है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में था, मतलब जो इसका मेन मैनेजमेंट था ना, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जहां पे सब मैनेजमेंट हो रहा है, वो मेनली कहां पे था, इंडिया में था। सो मैं क्या कहूंगा, ये इंडियन रेजिडेंट है यहाँ पे। और फॉरेन कंट्री अगर आपका पिछले में 50 करोड़ या उससे कम था, 50 करोड़ है तो भी इस कैटेगरी में, 50 CR या उससे कम है, तो फिर आप हमेशा क्या कहोगे, हमेशा नॉन रेजिडेंट ही रहोगे, कभी रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, क्लियर है। सो कंपनी के केस में इतना ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता है जितना हमारे लिए रेजिडेंट वाला करता है, ठीक है। और रेजिडेंट वाले भी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों करता है, टैक्स रेट्स देखने के लिए, क्लियर है पूरी तरह से। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्ट इनकम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।